बहुत ही फाइन ज्यूरी जो आर्टिंग साहब के सीनियर एचओडीज हैं, उन्होंने इन पेंटिंग्स को रैंक किया है और इनको नगर निगम की तरफ से स्पेशल प्राइजेज भी दिए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके थ्रू बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि और भी आगे बढ़ें, और भी आगे जाएँ और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशली अपने एक्सप्रेशन को, अपने कला को, अपने टैलेंट को। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अजमेर नगर निगम ने किया कलाकृति का आयोजन। लेक व्यू रामप्रसाद घाट पर लगाई गई 2 दिवसीय पेंटिंग और फोटो प्रदर्शनी। अजमेर के कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और अजमेर की कला प्रेमियों द्वारा खींचे गए छायाचित्रों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लेक व्यू रामप्रसाद घाट पर आनासागर झील के मनोरम नज़ारे का दीदार करते हुए आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का नाम कलाकृति अजमेर का अभिमान रखा गया है, जिसका शुभारंभ बुधवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशाल यादव, उपायुक्त श्रीमती तारावती वैष्णव और उपायुक्त श्रीमती सीता वर्मा सहित निगम के अधिकारी व उप महापौर नीरज जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने बेहतर पेंटिंग्स और छायाचित्र खींचने वाली शहर की प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आम जन के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। कलाकृति प्रोग्राम नगर निगम अजमेर की तरफ से बहुत ही शानदार पेंटिंग्स का और फोटोग्राफी का यहाँ पर जो कंपटीशन रखा गया था उसका आज डिस्प्ले और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। तो बहुत ही शानदार प्रविष्टियाँ आई हैं यहाँ पर और लोकेशन भी बहुत अच्छी रखी है जहाँ पर इन्होंने ये डिस्प्ले रखा है। लोग आके ये जो अजमेर के टैलेंट्स हैं फोटोग्राफी में और पेंटिंग में उन टैलेंट्स का काम यहाँ पर देख सकें और आज यहाँ पर उन टैलेंट्स का फेलिसिटेशन दिए। मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। कलाकृति आज का जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है 2 भागों में। वन इज़ अ पेंटिंग कंपटीशन एंड अदर इज़ अ फोटोग्राफी कंपटीशन, जिसमें अजमेर के स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट स्टूडेंट्स, इन सब को इनके कॉलेज के थ्रू रीच आउट किया गया, इनके प्रिंसिपल्स के थ्रू, इनके टीचर्स के थ्रू। और क्योंकि जो एक एटमॉस्फेयर आ गया था कोविड के कारण, थोड़ा सा माइंड जो है थोड़ा लो हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की जो टैलेंट है और उनकी एनर्जीज है उनको एक एक्सप्रेशन दिया जाए। तो उसी की उसी कड़ी में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी शानदार और इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और फोटोग्राफी हमें देखने को मिली हैं। जो भी हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, कलेक्टर साहब, मेयर मैडम, दे हैव अप्रिशिएटेड इट। और हमारी एक बहुत ही फाइन ज्यूरी जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सीनियर एचओडीज हैं, उन्होंने इन पेंटिंग्स को रैंक किया है और इनको नगर निगम की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके थ्रू बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि और भी आगे बढ़ें, और भी आगे जाएं और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशली अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें। आज भी संबंधित किया कुछ बच्चों? हाँ, वो दैट्स अंडरवे। जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेज हैं उनको कैश प्राइज के साथ साथ मेमेंटोज और सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। और साथ के साथ जो इसमें हमारे पास एंट्रीज रिसीव हुई हैं, इनको हम नगर निगम के हॉल्स में
अपने कॉरिडोर्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिले और बच्चों को एक रहे कि हमने कंट्रीब्यूट किया है नगर निगम के लिए, अजमेर के लिए। इस तरह के कार्यक्रम नगर निगम आगे भी कराएगा? डेफिनेटली।